दोनों स्वयं रोड है जो गंगा में स्वयं नाव चल रही है। इस कारण गंगा नदी में नौका का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। अतः आप लोग से अनुरोध है कि किसी प्रकार का नौका लेके नदी में नहीं निकले और न ही यात्रियों को अपने नाव पे बैठा के निकले। गंगा में बहुत सूचना चल रही है, इसलिए आप लोगों को अवगत कराया गया है कि किसी भी प्रकार के नौका का संचालन नहीं करेंगे और अपने बोट से यात्रियों को नहीं बैठा के निकलेंगे। गंगा में स्वयं भर के कारण नौका का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी माझी बंधु सवारी लेकर यात्रियों को बैठा कर नदी में नहीं निकलेंगे, अन्यथा पकड़े जाने से आपके तुरंत पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आप अवगत हो किसी प्रकार का नौका का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। सर, ये किस तरह का नाव संचालन? आज सुबह गंगा जी में अचानक लहरें काफ़ी तेज हिलोरें मार रही थीं और हवा का दबाव भी काफ़ी बढ़ गया था, बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, जिस पर नाविक बंधुओं द्वारा मुझे सूचित किया गया। जल पुलिस के प्रभारी से जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि साहब घाट पर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और गंगा जी में लहरें भी काफ़ी तेज़ उठ रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार की नौकाओं का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया, जिसके लिए माइक से अनाउंसमेंट किए गए, स्टीमर से सुरक्षाकर्मियों को भेजकर नौकाओं को सचेत किया गया। सभी नाविक बंधुओं ने समर्थन करते हुए अपनी अपनी नावों का संचालन बंद कर दिया। ये कार्य केवल जनमानस की श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। जैसे ही हवा का दबाव कम होगा नौका संचालन पुनः आरंभ कर लिया जाएगा। सर, पर्यटकों को किस तरह का संदेश देंगे? देखिए, किसी तरह की भी अप्रत्याशित घटना की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है, इसीलिए सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, कृपया जब जब नौका संचालन बंद किया जाए आप हमारा सहयोग करें। किसी भी नाविक को, किसी भी माझी को नाव में जाने के लिए बाध्य न करें, ये आपके जीवन की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया जाता है, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, कृपया इसका पालन करें। इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।